प्रयागराज मांडा पुलिस की कार्रवाई अजीज होकर प्रधानपति ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मांडा थाना क्षेत्र के तिसेन तुलापुर के पीड़ित का आरोप है कि पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। वहीं तिसेन तुलापुर प्रधान प्रति जटाशंकर शुक्ला का कहना है कि हमें लक्ष्मण मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा तथा उनके साथियों के द्वारा हमको बार बार जान से मारने की धमकी दी जाती है। वही जटाशंकर शुक्ला प्रधान पति है। जटाशंकर शुक्ला और लक्ष्मण मिश्र, ब्रजेश मिश्र के बीच चुनाव के समय से ही पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसे लेकर दोनों में कई बार गहमा गहमी हो चुकी है। घटना को पूरे माह बीत चुके हैं, लेकिन किसी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं बीते 5 सितंबर को जटाशंकर अपने साथियों के साथ घर लौट रहे थे। उसी दौरान लक्ष्मण और ब्रजेश अपने साथियों के साथ उन पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी थी। वही आरोप है कि हमलावरों ने जटाशंकर से गले की सोने की चेन भी छीन ली, जिस पर मांडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बीते एक माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपी पक्ष लगातार पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। जटाशंकर शुक्ला का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार सहित मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाऊंगा। आखिर मैं पुलिस पर भी सवाल उठाता है कि घटना को पूरे एक माह बीत चुके हैं, आखिर क्या बात है? क्या अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रयागराज पुलिस किसी के दबाव के कारण गिरफ्तारी नहीं कर रही है? आखिर कब तक होगी जांच? कोरा प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट।